हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। इसरो की उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से संदिग्ध जहाजों पर नजर रखी जाएगी। गृह मंत्रालय ने आज कहा कि तटीय सुरक्षा को चाकचौबंद करने के तहत शीघ्र ही इसरो की उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से समुद्र में विभिन्न संदिग्ध जहाजों और नौकाओं की निगरानी की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तटीय सुरक्षा घेरे के तहत अगले साल मार्च से 1000 ट्रांसपोर्टर प्रदान करेगा। यह 26 से 11 मुंबई आतंकवादी हमले जैसे हमले को विफल करने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 20 मीटर तक की नौकाओं के लिए सैटेलाइट निगरानी का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमले के बाद तटीय सुरक्षा कड़ी कर दी है। तब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी अरब सागर से मुंबई आ गए थे और उन्होंने 166 लोगों की जान ले ली थी। अब तक 19.74 लाख मछुआरे बायोमेट्रिक पहचान पत्र के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 18.60 लाख को पहचान पत्र दिया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि नौकाओं की निगरानी के लिए 20 मीटर से अधिक लंबी नौकाओं पर स्वचालित पहचान प्रणाली लगाई जाएगी, जबकि गहरे समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर आसानी से निगरानी के लिए तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश नौकाओं पर कलर कोडिंग कर रहे हैं।